नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो लाइन L है वो एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B एक पॉइंट है लाइन L के ऊपर। ओके, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। बेटा देखो, BP और BQ परपेंडिकुलर्स है, मींस ये 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। फ्रॉम B से ऑन द आर्म्स टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की जो आर्म्स है ये वाली और ये वाली, इन दोनों के ऊपर क्या है आपके? परपेंडिकुलर्स है। कहां से? फ्रॉम बी से। ओके, सो दैट आपको क्या करना है? टू प्रूव करना है ए बी बी ट्रायंगल कॉन्गुएंट है इसके ए क्यू बी के। तो कौन सी ट्रायंगल है? ए बी बी ए क्यू बी, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों क्या करना है? कॉन्गुएंट करना है। बेटा तो कॉन्गुएंट करने के लिए देखिए, आप सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन के अंदर हमें क्या पता है? देखो, गिवन के अंदर आपको पता है कि एल जो है वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मींस ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल। लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ? एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है। ओके, नाम दे दिए इन दोनों एंगल्स के। बेटा देखो, और एंगल बी ये आपके, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर्स गिवन है, तो ये दोनों 90 डिग्री। एंगल क्यू और एंगल बी, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। ये दो चीज आपको गिवन है। ओके, अब देखिए बेटा, ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट करने के लिए टू प्रूव क्या करना है आपको? फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए बी बी को कॉन्वर्ट करना है ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स के नाम, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ओके, अब देखिए बेटा, ए पी बी ट्रायंगल देखिए आप, ए पी बी ये का ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है ए क्यू बी। इस ट्रायंगल का एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 1 के। ओके, इस ट्रायंगल का जो एंगल P जो है वो इक्वल है किसके? एंगल Q के। और इसके अंदर देखो, AB साइड जो है दोनों ट्रायंगल के अंदर रिपीट हो रही है, कॉमन है। तो AB देखो आप, AB इसमें भी आ रहा है, AB साइड इसमें भी आ रही है, तो AB दोनों के अंदर कॉमन है। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएगी? कॉमन। बेटा देखो, ये तो आपको गिवन थे इक्वल, और ये में कॉमन पता है। ओके, तो तीन चीज चाहिए हमें। देखो, ये एंगल है और ये एंगल है और ये क्या है? साइड। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्गुएंट। रूल कौन सा लगेगा बेटा? ए पी बी कॉन्गुएंट ट्रायंगल, ए पी बी ट्रायंगल कॉन्गुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। बेटा रूल पहचानने के लिए आपको क्या करना है? कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए आप। देखो, अगर आप ए क्यू बी ट्रायंगल लेते हो तो एंगल एंगल और साइड, देखो एंगल फिर एंगल उसके बाद साइड, तो रूल कौन सा लगेगा? एंगल एंगल साइड। ओके, बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो गए। उसके बाद देखो, सेकंड पार्ट में पूछा आपको बीपी जो है बी क्यू के इक्वल लेके आ रहा है, या फिर बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ ए, मींस बी क्यू जो है बीपी के इक्वल लाना है आपको। तो देखिए आप, बीपी जो है सेकंड पार्ट के अंदर BQ के इक्वल है क्या? बेटा देखो, जब हमने ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट कर दिया है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। देखो आप, ये BP है और ये कौन सा है? BQ, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो रूल क्या लिखेंगे यहां पे? बाय CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वर्ट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके,